तो जब भी मैं बात करता हूँ सेल्फ क्लिकिंग का या फिर सेल्फ अर्निंग का, तो उस समय मैं ज़रूर बात करता हूँ अकाउंट ब्लॉक का या फिर अकाउंट बैन का, ठीक है। अगर आप लोग एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है आपका सेल्फ क्लिकिंग का, अगर आप लोग यूज़ करते हो तो शायद आपने ये देखा हो कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और अगर जो नए लोग हैं, ठीक है, अभी जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो बेसिकली ऑडियंस नेटवर्क नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं कि मैं सेल्फ अर्निंग पे, मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए ऑडियंस नेटवर्क ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू सेल्फ क्लिकिंग। लेकिन सेल्फ क्लिकिंग से लोग इसीलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है वो पैसा, ठीक है, पैसा इसमें सबसे तो कम लगता है, ठीक है। सेल्फ क्लिकिंग एप्लीकेशन तुरंत ले लो और आपका काम फिर स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, बात वही है पैसा का, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करना है, कोई यहाँ पे ज़्यादा माथापेची वाला काम नहीं, ठीक है। आपको एप्लीकेशन दिया, आपने खुद अपना आत्मनिर्भर बन के काम किया बस, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है और लोग इसी को सोच के सेल्फ अर्निंग में आते हैं, लेकिन वो फंसते तब है जब उनको समझ में नहीं आता है कि अकाउंट ब्लॉक का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी मैं बात करता हूँ अकाउंट ब्लॉक का, तो बहुत लोग समझ बैठते हैं कि उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि उनका जो भी बैंक अकाउंट है, जो भी मतलब जिस भी खाता में हो, SBI, HDFC, IDBI, ICICI, फिर से कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी बैंक हो, ठीक है, तो अगर उनका जो अकाउंट है उसमें है और वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनका बैंक अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी नेटवर्क को आपका बैंक अकाउंट से मतलब नहीं है। पर्सनली जो आपका ऑफिशियल अकाउंट है, जो आपने एडमो में बनाया या फिर स्टार्टअप में बनाया या फिर अपने यूनिटी में बनाया या फिर अपने वंगल में बनाया या फिर अपने एप्लॉय में बनाया, वो अकाउंट आपका ब्लॉक होगा। और वो अकाउंट अगर आप लोग का ब्लॉक होता है तो आप एक नया अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर आपने कभी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब भी मैं बात करूँ अकाउंट ब्लॉक का, तो आप लोग को समझना है कि आप लोग का बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। बैंक अकाउंट से उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। ब्लॉक क्या होगा, आपका जो मेन ऑफिशियल अकाउंट है, जो आपने यूनिटी एड्स अकाउंट बनाया अपने जीमेल और पासवर्ड से, फिर आप उस जीमेल और पासवर्ड से एक नया अकाउंट नहीं बना सकते अगर आपका यूनिटी में ऑलरेडी ब्लॉक हुआ है या फिर कोई दूसरा ऐड नेटवर्क में ब्लॉक हुआ है, ठीक है। तो इसको समझना होगा, और आप दूसरा जीमेल भले यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेल्फ क्लिकिंग में टाइम लगता है, पैसा है, देखिए इसमें ना ऐसा है कि पैसा तो खूब कमाया जा सकता है लेकिन रिस्क तो है, ठीक है।